हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए 2.5 कप आटा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल दूंगी क्रश करके, इस तरीके से। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। मैंने 1 चम्मच इसमें बड़ा ऑयल डाल दिया है। अब मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आटा गूंद लूंगी। सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटा गूंद लेना है। आटा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, क्योंकि हम आलू के पराठे बना रहे हैं। ज़्यादा टाइट होगा अगर आटा तो आलू उसमें से बाहर निकलेगा, लोई जो बनाएंगे वो फट फट के जाएगा, और ज़्यादा लूज करेंगे तो भी वो अच्छे से नहीं बनेगा। अपना डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा भी लूज मत करिएगा। लचीला टाइप से होना चाहिए, और लचीला टाइप करने के लिए हमें आटा को बहुत अच्छी तरीके से गूंदना पड़ेगा। हमें आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदना है, ऐसे वजन डाल डाल के अच्छे से इसे गूंद लीजिए। जितना आप अच्छा आटा गूंदोगे ना, उतने ही अच्छे पराठे आपके बनेंगे, और आटा में से आलू फटके निकलेगा भी नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि आटा काफ़ी सॉफ्ट ना होए और ना ही ज़्यादा सख्त होए। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे, और इसे अच्छे तरीके से, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरह से इसमें लपेट लेंगे ऑयल में, ऐसे। ऑयल लगाने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से आप गूंद लीजिए, ऐसे। आटे को मैंने गूंद लिया है, अब इसे मैं 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। अब हम आलू को मैश करेंगे। कभी भी याद रखिएगा कि जब भी आलू का पराठा बनाना है तो आलू हमेशा ठंडे होने चाहिए। अगर आलू गर्म होंगे तो आलू का पराठा फट जाएगा। आलू का पराठा बनाने के लिए ठंडे आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आलू को मैश कर दिया है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, कि प्याज काटने के बाद इसको निचोड़ के पानी निकाल देना, नहीं तो प्याज भी पानी छोड़ता है और उसके वजह से भी आलू का पराठा फट सकता है। प्याज में से मैंने पानी निचोड़ दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा आमचूर। आमचूर स्किप मत कीजिएगा, आमचूर ज़रूरी है। आलू के पराठे में आमचूर डालने से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अब मैं थोड़े कटे हुए इसमें मैं धनिया डाल दूंगी, जो मैंने काट के धो के रख दिए थे। अब इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मेरा आलू का मसाला तैयार है, मेरा आटा रेडी कर दिया है। बस हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथ में एक लोई ले लो आटे की, इस तरीके से रोल कर लीजिए इसे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। अब इसे आटे में कोट कर लीजिए अच्छे से। लोई को बेल लीजिए ऐसे, बस इतना ही बड़ा कीजिएगा, इससे ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा। अब जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बस ये डालने के बाद हर कोने से आपको आटा ऐसे प्लीट्स बनाते जाना है, बस ऐसे प्लीट्स बनाते जाइए, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसका ऊपर का, ऐसे रोट गोल घुमा के इसी के ऊपर दबा दीजिए ऐसे। ये कर दिया हमने, अब इसे आटे में कोट कर लीजिए। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे आपको बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाएगा। प्रेशर बनाओगे तो आलू फट के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे गोल गोल घुमाते घुमाते आपको इसको रोटेट करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से रोटेट कर रही हूँ। बस ऐसे ही आपको इसको हल्के हल्के हाथ से हर जगह जगह से घुमाते घुमाते आपको रोटेट करना है। प्रेशर बिल्कुल भी मत बनाएगा, जोर से प्रेशर बनाकर अगर आप करोगे तो आपका आटा
फट जाएगा, आलू बाहर आ जाएंगे। मेरा तवा अब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, बस अभी इस पे मैं तवे पे पराठा डाल दूंगी। जब तक वो सीख रहा है तब तक मैं दूसरा लोई लेके दूसरा पराठा बेल लूंगी ऐसे। बस सेम प्रोसेस है जो हमने पहले किया, वही प्रोसेस है, हमको दूसरा पराठा भी बनाना है ऐसे। मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है, अब इसमें भी मैं आलू का मसाला डाल दूंगी ऐसे। अब इससे सेम प्रोसेस है, प्लेट्स बनाना है साइड बाय साइड इस तरीके से। प्लेट्स बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा इसको ऐसे रोटेट करके ऊपर ही आप प्रेस करके ऐसे दबा दीजिए बस। अब मेरा तवा एक साइड में पराठा सीख गया है, दूसरी साइड पे भी हमें सेकना है और स्लो गैस पे रखना है, फुल गैस पे ना रखेगा जल जाएगा। 2 मिनट होने के बाद तवा, जब हमने पराठा पलटा दिया है उसके 2 मिनट के बाद हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है ऐसे। आप ऑयल लगा सकते हो, आप घी लगा सकते हो, आप बटर लगा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप वो यूज कर सकते हो। मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है, अब मैं इसे पलटा दूंगी। पलटाने के बाद अब मैं इस पर फिर से ऑयल लगाऊंगी ऐसे। प्रेस बिल्कुल मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, हल्के हल्के हाथ से आप इस पर ऑयल लगा लीजिए दोनों तरफ। अब वापस से इसको पलटा के दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लीजिए ऐसे। जहां जहां से आपको कच्चा लग रहा है अब उसे दबा दबा के आप सेक लीजिए। बस मेरा ये पराठा अब रेडी हो चुका है, अब इसे उतार लीजिए। बस ऐसे प्रेस करते करते आपको पराठे सेकने हैं। देख रहे हो आप मेरा पराठा हल्का सा फूल रहा है, अब देखिए इसे दोनों तरफ से आपको सेक लेना है अच्छी तरीके से। जहां जहां से कच्चा कच्चा लग रहा है बस वहां पे ऐसे इस तरीके से प्रेस कीजिए आप और सेक लीजिए। इसी तरीके से आपको सारे पराठे रेडी कर देने हैं। मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं।